तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैरी भाई की, अपने रोस्टर एक्सपर्ट कैरी भाई की। तो क्या आप लोगों को पता है, कैरी भाई सोचते हैं कि वो जिन पर रोस्ट करते हैं उनसे वो लोग बदनाम हो जाते हैं, लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा। जी हाँ, आप लोगों को फैजी और रियाज तो पता ही होंगे, काफी टाइम पहले जब टिकटॉक काफी क्रेज था तो हमारे जो कैरी भाई फैजी और रियाज जैसे टिकटॉकर के ऊपर रोस्ट करते थे। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, पहले के जमाने में उनको कोई जानता नहीं था। जब से कैरी भाई ने इन दोनों के ऊपर रोस्ट कर दिया, तब से वो लोग इतने फेमस हो गए कि कैरी भाई से भी ज्यादा अर्निंग करते थे। लेकिन कुछ रोस्टर को ऐसा लगता है कि वो जिन पर रोस्ट करते हैं उनसे उनका बदनामी हो जाता है। लेकिन और वहीं पे कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं, छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं, जो अपने लोगों से कुछ मांग करते हैं। मतलब समझ लो कि जैसे मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे एक बंदा है काफी दूर का है, वो भी जो है यूट्यूबर है, लेकिन अगर जो है उसने जो है मुझसे कुछ मांग की और मैंने उसकी मांग को नहीं पूरा किया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसने सोचा कि जो है उसने बोला, मान लो जैसे मतलब वो कर लो कि उसने जब भी कह दिया कि रोस्ट करा दूंगा। तो आप लोग जो है कभी डरना मत रोस्ट से, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि रोस्ट जो करते हैं वो जो है रोस्ट करने वाले वो लोग जो है छोटे यूट्यूबर से नहीं कराएंगे, रोस्ट जो है वही यूट्यूबर करते हैं जिनका जो है चैनल मोनिटाइज हो जाता है। तो सक्सेस नहीं यूट्यूबर होगा जिनका जो है मोनिटाइज हो जाता है। तो मोनिटाइज करके जो है वो कितना कमा लेते होंगे, मैक्सिमम रोस्ट करके मोनिटाइज होने के बाद मैक्सिमम वो कितना कमा लेते होंगे, एक मतलब मान लो पकड़ ही लो कि एक उन्होंने जैसे मतलब आपके ऊपर रोस्ट किया तो उसका जो है आया उनका 100K views मैक्सिमम अप्रॉक्स जो है इमेजिन कर लो आ गया। तो उसके बाद जो उससे वो लोग कितना कमा लेंगे, उसी से 14 से 15 हज़ार मैक्सिमम, या उससे भी कम 7 से 8 हज़ार। लेकिन उनसे कमाने के बाद क्या होगा, क्या आप बदनाम हो जाएंगे? जी नहीं, आप बदनाम नहीं होंगे। बदनाम तो होगा मतलब बदनाम तो कोई नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, थोड़ा उसमें उनका भी फायदा होगा, लेकिन वो सोचेंगे रोस्ट करा के आप लोगों को बर्बाद कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे। लेकिन हाँ, ये होता है, थोड़ा बहुत लोग आपके साइड के आपके पड़ोस के जो है थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है, अगर कोई बड़ा क्रिएटर छोटे क्रिएटर पर रोस्ट बनाता है तो उससे क्या होता है, फेमस कौन होता है? छोटा क्रिएटर। जी हाँ, छोटा क्रिएटर जो है फेमस होता है। तो अगर करीम नाटी और इन जैसे बड़े यूट्यूबर्स अगर सोचते हैं कि मैं अगर किसी के ऊपर रोस्ट करता हूँ तो सिर्फ उससे मेरा फायदा होता, बल्कि ये साइड का बंदा जो है बदनाम हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे जो है फेमस ये भी बंदा होता है, जो बंदा छोटा क्रिएटर रहता है रोस्ट करने के बाद जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं तो सोचूंगा कि ये कैरी साला, ये कैरी भाई अपना, ये मुझ पर रोस्ट करे ताकि मैं भी जो है थोड़ा फेमस हो जाऊँ। क्योंकि अभी यार आप लोगों को पता है कि इस ज़माने में YouTube पर काफ़ी कॉम्पिटिशन है। काफ़ी कॉम्पिटिशन का मतलब ये समझ लो कि YouTube पर सक्सेस मिलना बहुत मेहनत करते हैं उनको ही सक्सेस हो पाता है YouTube पे। तो मैं जाऊँगा कि कैरी भाई मेरे पे रोस्ट करें, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अभी जब मैंने बता दिया है तो जैसे मतलब उससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। उनका फायदा होगा मैक्सिमम, उनका बड़ा चैनल है, 20-30-50 मिलियन जो है व्यूज आए जाएंगे। तो 20-30-50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ व्यूज, ठीक, 5 करोड़ व्यूज। 5 करोड़ व्यूज का मतलब अगर जैसे मतलब 5 करोड़ में अगर 1,00,000 भी जो है मुझसे जैसे मतलब अगर आप किसी के ऊपर रोस्ट करते हो तो अगर आप रोस्ट करोगे तो वो बंदा जो देखेगा आपके रोस्ट को, वो जो है उसके चैनल को जिसको वो बताएंगे, जैसे मतलब वो टिकटॉकर है, उन्होंने बोला फैजू, तो क्या किया, टिकटॉक पे गया, लोगों ने फैजू को देखा और उसका वो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो जो है उन्हें फॉलो मारते गए। इसलिए जो है फैजू और रियाज काफ़ी उनकी पहुंच तक पहुंच गए। तो वैसे ही जो होगा, जो हमारे ऊपर वो रोस्ट बनाएंगे तो रोस्ट बनाने के बाद जो है उसका व्यूज आएगा 40-50 मिलियन मैक्सिमम 28 मिलियन अप्रॉक्स आ जाएगा, क्योंकि उनका 29 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग जैसे मतलब उनकी भी वीडियो देखोगे, तो उनकी वीडियो देखने के बाद जो है कुछ लोग जो है देखेंगे कि ये है कौन, चलिए जो है इसको भी चेक करते हैं। इससे जो है फेमस वो भी होता है जिसके ऊपर रोस्ट निकलता है। तो आप लोग कभी घबराइए मत, अगर कोई क्रिएटर आपसे कहता है, आपने उसको कुछ बोल दिया है और आप जो है उससे कुछ कहते हैं, तो वो अगर आपको कुछ कहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर रोस्ट करा दूँगा, जैसे मतलब कैरी भाई से अन्य यूट्यूबर छोटे बड़े यूट्यूबर है, तो कैरी भाई अपने जो है रोस्ट का क्रेज उन्होंने निकाला था, तो आप लोग जो है कभी घबराइए मत, उससे जो है आपके पास फेमस होंगे। तो चलिए जो है आज के लिए बस इतना ही मिलता है।